गुड मॉर्निंग गाइस, चाय आज सुबह की हो गई। तो आज मैं राजमा बनाने जा रही हूँ। तो दो प्याज को मैंने और लहसुन अदरक को मैंने जो उसके लिए ग्राइंड कर लिया है, और दो टमाटर को भी मैंने जो सुबह सुबह मैं बना रही हूँ तो दोनों को ग्राइंड कर लिया है, नहीं तो चॉप भी करके डालती हूँ ऐसे तो। और यहाँ पे दोनों को एक तरह पहले कर लिया, और उसके बाद मैंने उधर जो है राजमा चढ़ा दिया है कुकर में, और इधर मैं बना रही हूँ पराठे। और पहली रोटी मेरी गाय की होती है तो ये मैं गाय के लिए रोटी बना रही हूँ, अदरवाइज़ मैं पराठे ही बनाऊँगी। अभी राजमा चावल पराठा आज का मेरा सुबह का जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ। इतना चीज़ बनाना होता है, सुबह स्कूल भी जाना होता है, तो इसलिए मैं ये जो है जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर पहले अब मैंने रोटी बना दी, अब पराठा जो है अब सभी के लिए दो दो, कम से कम दो दो पराठे, तो कम से कम आठ पराठे, चार मेंबर्स हैं हम लोग तो आठ पराठे तो बनाने ही हैं। तो ये मैं पराठे जो है फटाफट फटाफट बना रही हूँ। आपको वीडियो में थोड़ा सा जल्दी में दिखाती हूँ, क्योंकि इतने सारी चीज़ें थोड़ी देर में नहीं हो पाती, तो क्या क्या करती हूँ वही चीज़ें मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं पराठे जो है वो राजमा उबालने के लिए उसमें सिर्फ नमक और तेज़पत्ता डाल के, पानी डाल के जो है मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल के उबालने के लिए चढ़ी है, ताकि वो उबलता जब तक इधर मेरा पराठे का काम जो है वो कम्प्लीट हो जाए। तो ये मैं कम्प्लीट कर रही हूँ फटाफट बना। मंडे ट्यूसडे का मेरा फास्ट रहता है, हस्बैंड का ट्यूसडे का रहता है, इसलिए मैंने कहा कि चावल और राजमा बना लेती हूँ, थोड़ा ठीक लगेगा। तो यहाँ पे मेरे जो है राजमा उबल गए हैं और मैं उसे खाली कर रही हूँ। इस छोटे कुकर में ही बनाती हूँ, है तो बड़े कुकर 6.5 लीटर का, 1.5 लीटर का, ऐसे कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो ये जो है मीडियम साइज़ का है, तो मैं इसी में बनाती हूँ। और कुकर गर्म हो गया यहाँ पर और तेल डाल दिया है मैंने, और इसमें मैं जीरा और एक इलायची, दो लौंग और दालचीनी, ज़्यादा नहीं बस इसका, और एक तेज़पत्ता डाल के इसका तड़का लगा रही हूँ। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी बनता है बहुत ही ऐसे बनाने से राजमा। और यहाँ जब ये तिरक गया, जब तड़का तिरक गया, तो मैं इसमें जो है प्याज डाल दूँगी, जो प्याज मैंने पेस्ट करके रखा हुआ है वो डाल दूँगी, और उसे थोड़ी देर भूनने दूँगी अच्छे से, उसके बाद ही कुछ डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया है, इधर प्याज भून रहा है, और तब तक मैं उधर चाय भी चढ़ा दी हूँ। राजमा तो उबल गया, उधर चाय भी दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दी है, उसके लिए मैं अदरक कूट रही हूँ। और यहाँ पे हल्दी, धनिया, मिर्च, प्याज भून गया तो अब इसमें डाल दूँगी हल्दी, धनिया, मिर्च और नमक। नमक काफ़ी टाइम में कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, जल्दीबाजी में रहती हूँ तो भूल जाती हूँ, फिर स्कूल से फ़ोन करती हूँ कि आज मैं नमक डालना भूल गई तो थोड़ा सा मिला लीजिएगा, इसलिए मैं नमक भी डाल दी, और नमक भी डाल देती हूँ स्वाद अनुसार, जो है नमक आप डाल दीजिएगा। टमाटर मैंने इसमें डाल दिया साथ के साथ, गरम मसाला भी डाल दिया मैंने, और अब इसे अच्छे से भूनूंगी। ये नमक मैंने जो है जितना आप खाते हो उसके अकॉर्डिंग जो है आप नमक डाल दीजिएगा, और जब ये अच्छे से भून जाए मसाला तो फिर इसमें जो है वो राजमा डाल दूँगी। तो थोड़ी देर इसको चलाती हूँ, फिर जब ये हो जाएगा तो फिर राजमा, ये देखिए अब ये मेरा मसाला जो है भून गया है, मैं अब इसमें जो है राजमा उबले हुए डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। अब आपको जैसा रस रखना है, जैसी ग्रेवी रखनी है, उतना तो मैं थोड़ी सी, और इसमें ग्रेवी गाढ़ी लग रही है मुझे, और चूंकि चावल के साथ खाना है तो इसमें थोड़ा सा पानी और मिला दिया है मैंने, और लगता है कि मुझे थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि उबलते उबलते फिर ये जो है गाढ़ा बिल्कुल हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा और पानी डाल के इसको जो है मैं थोड़ा सा पतला करूँगी, बाद में ये गाढ़ा ही रहेगा। और ये अब मेरा राजमा यहाँ पे 10 मिनट के बाद, 5-10 मिनट मैं इसको गैस पे रखती हूँ उसके डालने के बाद, और फिर मैं यहाँ पर मेरा राजमा अब जो है वो तैयार हो गया है। अब मैं इसे खाली करके इसलिए रख रही हूँ ताकि इसी कुकर में मैं धो के जो है मैं चावल चढ़ा दूँगी। छोटा कुकर है, सही रहता है, सुबह सुबह जल्दी होती है, बड़े कुकर का फिर बहुत झंझट हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको इसमें खाली कर दी। चाय भी मेरी भी इधर बन गई है, और मैं उधर चावल जो है वो उसी कुकर में चढ़ा दी हूँ। ये चाय मेरी बनी हुई है, तो अब मैं दोपहर को, उसके बाद चाय पीने के बाद, अब मैं सारा काम करके जब स्कूल गई दोपहर को वापस आई, तो आज बहुत गर्मी थी, तो आज चाय नहीं लेकर मैं आज फ्रूटी ले रही हूँ, ताकि थोड़ा सा जो है वो अच्छा लगे। और लाइट गई हुई है तो पंखे से काम नहीं चल रहा है, तो मैं बैठ के तीनों के लिए एक एक गिलास फ्रूटी निकाली और मैं बैठ के पी रही हूँ। आज टीवी भी नहीं चलाया, ज़्यादा चलाऊँगी तो फिर मेरा बैटरी डाउन हो जाएगा उसका,
तो इसलिए मैं नहीं चला रही हूँ टीवी। और अब तो कॉमनवेल्थ गेम भी ख़त्म है, तो क्या टीवी चलाने का फ़ायदा है। कुछ ज़्यादा ही है, आप मेरे फेस पे देखिए, ये बाहर की लाइट इतनी तेज़ पड़ रही है धूप की, और लाइट भी गई हुई है। तो मैंने आज चाय नहीं ली, आज मैंने फ्रूटी ले ली। बहुत ज़्यादा ही गर्मी है और पंखे में उतनी ज़्यादा तो पसीने तो निकल रहे हैं। आई, पैर हाथ धोई, खाना दिया, और अब जो है मैं ये पी के फिर अपना काम शुरू करूँगी। चाय तो आज पीना है नहीं। मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ कितना तेज़ लाइट है धूप की। ये मैं किचन के विंडो से दिखा रही हूँ, अभी मैं आपको बाहर ले चलती हूँ, तो बाहर देखना कि कितनी धूप है। और आसमान बिल्कुल जो है क्लियर है, ये बादल जो दिख रहे हैं, ये सब बादलों को देख के ना मुझे ये याद आता है, मैं बचपन में जब हम लोग सोते थे छत पे या कभी कहीं देखते थे, तो ये बादल जो है ना चलते हुए नज़र आता था। आजकल वो सीन दिखता नहीं कि बादल चल रहा है, पता नहीं क्यों, या मुझे नहीं लगता या आप लोग को भी ऐसा लगता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ये बादल चलते हुए नहीं नज़र आते हैं। और आज मेरा घर बिल्कुल साफ़ है, यहाँ पे बेटे ने पढ़ाई की है तो वो उसका मैं छू नहीं रही हूँ, अभी वो कहीं गया हुआ है। तो ये देखिए सारा चीज़ क्लियर है, घर भी साफ़ है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा काम है नहीं। और ये देखिए ये मैं ही, मेरी ही चुन्नी है तो ये भी साफ़ है इधर, तो किचन वगैरह भी, किचन टॉप भी, ये सब सारा चीज़ साफ़ है, बर्तन वगैरह सारा खाना बना हुआ रखा हुआ है, खा लिए हैं सारे, तो साफ़ सुथरा है, तो आज ज़्यादा काम है नहीं। जब भी राखी का दिन होता है तो मुझे पुरानी राखी जो है देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं पुरानी राखी जो है सबको सहेज के रखती हूँ, तो आपको भी मैं दिखाती हूँ। वो राखी इतने सुंदर सुंदर लगते हैं कि मुझे वो इधर उधर रखने का मन ही नहीं करता। तो मैं इस तरह से जो है जितनी भी पुरानी राखियाँ होती है उसे मैं सबको अच्छे से रखती हूँ, और फिर जब राखी आती है फिर उसको निकाल कर एक बार मैं उसको ज़रूर देखती हूँ। और फिर नई राखी का मैंने अभी आपको रिवील नहीं किया है, मैं नई राखी लाने भी जाऊंगी और लेकर भी आई हूँ। जो मैंने भेज दिया है राखी अपने भाइयों को, मेरे भाई तो यहाँ रहते नहीं, वो बिहार में ही हैं, तो मैंने और बेटी ने भी जो राखी भेजनी थी वो भेज दी है। बाय पोस्ट जाता है तो जल्दी ही भेजना पड़ता है उसे, क्योंकि फिर कहीं अटक गया, कभी बारिश हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो फिर उसमें दिक्कत आ जाती है। आप ये राखी देखिए कितनी सुंदर है, ये देखिए। तो इसलिए हम लोग जो है आप कब तकरीबन 1 सप्ताह 10 दिन पहले जो है राखी को हम लोग भेज देते हैं, ताकि वो टाइमली जो है पहुंच जाए। तो इसलिए हमने वो राखी भेज दी है। जिस राखी को मैंने भेजा है वो मैं आपको कल दिखाऊंगी कि कौन कौन सी राखी मैंने, कैसी कैसी राखी भेजी। और मार्केट में आप राखी लेने जाओ तो ऐसे लगता है जैसे कि आज बस राखी तो बस आज ही बिकेगी, कल तो अब उसके नेक्स्ट जो है ईयर तो उसका बिक्री होगा ही नहीं, इतनी महंगी महंगी राखियाँ। और ये देखिए इन डिज़ाइनों का क्या है, डिज़ाइनों का धागे जो मेन प्राइस है वो तो इस धागे का है, कच्चे धागे का होता है। बाकी आजकल तो इतने डिज़ाइन डिज़ाइन की राखियाँ मिलने लगी हैं कि क्या ही देखने के, अच्छा लगता है मार्केट में जब आप राखी लेने जाओ तो पता नहीं चलता कि कौन सा लें कौन सा। आप देखिए इसमें ये पुरानी मेरी सारी राखियाँ हैं और मैंने कितने अच्छी तरह से इनको रख रखा है। मैं बेटे के भी हाथ से उठाती हूँ तो उसे अच्छे से रख देती हूँ, कुछ इसके पापा के हाथ के रहते हैं तो मैं मेरे हस्बैंड के हाथ में रहता है तो वो भी मैं अच्छे से रख देती हूँ। ये देखिए ये राखी कितनी सुंदर है, ये देखिए ये सारे जो है आप पिछले साल की राखी हैं इस बार। तो ये आज मैं दिखा रही हूँ, कल मैं दिखाऊंगी आपको नई राखी जो, और मैं क्या क्या लेके आऊँगी। चांदी की भी राखी है जो इनको मेरे हस्बैंड को इनकी बहन ने बांधा था, तो वो भी मैं कल आपको दिखाऊँगी। ये देखिए राखी देखिए अच्छी लगती हैं ये राखियाँ, मुझे इकट्ठा करना, मुझे शौक है राखियों का तो इकट्ठा करने का, तो मैं रख लेती हूँ इसको, और कभी होता है तो निकल जाता है तो मैं इसको बैठ के देखती हूँ। तो अब राखी जैसे कल है तो आज मैं इसको निकाली हूँ, और मैं ये देखी मैं वही दोपहर में, अभी कोई काम नहीं है मुझे तो अब राखी की तैयारी करनी है, तो ये मेरे हाथ लगा, मैं भी निकाल के इसको देखने लगी। मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब जो है सबने खाना खा ही दिया है तो मैं भी खाना खाऊंगी, आप भी मेरे साथ चलिए खाना खाने के लिए। ये देखिए राखी को मैं सहेज के इसलिए भी रखती हूँ ताकि मैं अपने बेटे को हर साल मैं दिखाती हूँ कि ये राखी तुम्हें इसने भेजा है, ये राखी तुम्हें इसने भेजा है, तो उसे याद रहे ये चीज़ कि हाँ भाई ये राखी कोई ऐसी नहीं है, ऐसी वैसी नहीं चीज़ है, बंधन नहीं है, इसे किसी वजह से जो है बांधी जाती है, तो वो वजह उसको याद रखने के लिए मैं इस राखी को जो है संभाल के रखती हूँ, ताकि उसके उसे लगे कि हाँ मम्मी जब
राखी को इतना संभाल के रखती है, तो रिश्ते को संभालना जो है कैसे संभाला जाए, तो इसलिए मैं उसे अभी से ये राखी सब जो है रख के रखती हूँ। और भी राखियाँ हैं उसकी, अभी तो ये एक दो साल की है, उसकी काफ़ी बहनें हैं और ये अकेला है तो उसको काफ़ी राखी आती है, तो मैं सबको संभाल के रखती हूँ और याद दिलाती रहती हूँ इन राखियों को कि इस राखी की वैल्यू क्या है। इसलिए मैं इन राखियों को आज भी अभी उसे दिखाऊंगी, शाम को, तो अभी तो नहीं शाम को दिखाऊंगी और कल भी इसको निकाल के मैं रखूंगी। कैसे हो आप सभी, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे मिलने आई हूँ, बीच बीच में नहीं आती हूँ क्योंकि काम भी होता है, स्कूल भी होता है, घर भी होता है, सब कुछ होता है, तो कभी कभी नहीं भी मिल पाती हूँ आपसे और आपसे बातचीत नहीं हो पाती, लेकिन जिस दिन मुझे टाइम मिलता है उस दिन मैं आपसे मिलने चली आती हूँ। तो आज भी मुझे शाम को निकलना है मार्केटिंग के लिए क्योंकि कल राखी है, तो इसलिए आज जाना है शाम को, तो मैंने सोचा कि आज ही आपसे अभी मिल लेती हूँ। थोड़ा सा टाइम है क्योंकि खाना मैंने सुबह ही बना के मैं सारा चीज़ चली गई थी, तो आज मैं आपसे मिलने आ गई हूँ और आपसे थोड़े से मन की बात जो है वो करने के लिए आ गई हूँ। तो आप लोग सभी व्यस्त होंगे अभी राखी में, इधर जा रहे होंगे भाई के पास, बहनें आ रही होंगी बहन के पास, भाई जो है भाई सब जा रहे होंगे, तो इस तरह आज तो सबका बिजी शेड्यूल होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा आपसे मिलने आ गई हूँ। तो आज मैं उसी रिश्ते पर बात करते हुए आपसे जो बातचीत करूँगी वही होगा कि अगर शानदार रिश्ते चाहिए तो उसे गहराई से निभाइए, शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए, क्योंकि मोतियों जो है, मोती जो है वो किनारे पे नहीं मिला करती हैं, मोती कभी किनारे पे नहीं मिला करती हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर कोई रिश्ता आपको सच में पसंद है या आप उसको सच में ज़िंदगी भर निभाना चाहते हो तो उन रिश्तों को ना आप ऊपर ऊपर से नहीं निभा सकते। मोती कभी किनारे पे नहीं मिलती, मीन्स क्या कि आप मोती को जो है किनारे पे कभी नहीं, मोती हमेशा गहराई में जाके अंदर, समुद्र के अंदर, नदी के अंदर, जहाँ भी मिलता है वहाँ अंदर मिलता है, वो उसके लिए बहुत डीपली एकदम डाइव करना होता है तब जाके मोती मिलता है। तो ऐसे रिश्ते हैं, रिश्तों को आप ऊपर ऊपर से सिर्फ अपना फॉर्मेलिटी करके नहीं निभा सकते हैं, उसके लिए आपको उसमें डीपली आपको घुसना पड़ेगा, यानी कि उसकी हर बात की जानकारी, हर सुख दुख में साथ, हर ऊंचाई निचाई में आपका साथ, जो साथ दे वो आपका रिश्ता जो है मजबूत करता है। तो ऊपर ऊपर सिर्फ निभाने से कि हम आपके ये हैं, हम आपके वो हैं, उससे रिश्ता जो है मजबूत नहीं होता और कायम नहीं होता है, और वो रिश्ते जो है ज़्यादा दिन चलते भी नहीं हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है यही कहा गया है कि अगर शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए, क्योंकि मोती जो है वो किनारे पे नहीं मिला सकती। तो कल का जो रिश्ता है भाई बहन का, मैं चाहूँगी कि सभी भाई बहन एक दूसरे की जो है लाइफ टाइम जो है मतलब साथ रहे, ज़िंदगी भर का साथ बना रहे, और जो इस रिश्ते को जिस विश्वास के साथ बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं वो विश्वास जो है अटूट रहे, हमेशा सबका साथ भाई बहन का बना रहे। और इसी शुभकामना के साथ जो है मैं आज की बात ख़त्म करूंगी और फिर वही बात करूंगी कि आप लोग जहां रहिए, यहां रहिए, चाहे वहां रहिए, जहां भी रहिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, यहां रहिए, चाहे इलाहाबाद रहिए, चाहे कहीं और रहिए, हमेशा खुशी रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, इसका मतलब ये नहीं कि चलो सुख दुख तो जीवन का ही पार्ट है, तो ये लगा ही रहता है। और तब तक के लिए आप लोग राखी की मार्केटिंग कीजिए और कल फिर मिलते हैं। राखी की तैयारी क्या हुई क्या नहीं आप भी मुझे बताइएगा, मैं भी आपको बताऊंगी कि मैं भी राखी पे क्या क्या शॉपिंग की या क्या नहीं की, सब मैं कल आपको ज़रूर बताऊंगी या तैयारी भी दिखाऊंगी आपको। तो तब के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, और सब लव।